हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षनल, दिस इज बिलाल आशिक। तो अब इंतजार हुई खत्म, जब सबका इंतजार था कि एनटीए ने कब रिलीज़ करेगा आंसर की, कब रिलीज़ करेगा आंसर की, तो एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है। उसका डेट दे रखा है वो हमारे चैलेंज का, और आंसर की जो चैलेंज का उसका भी डेट दे रखा है 29 मई से लेकर 31 मई तक। अगर जिन लोगों को भी लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए चीज़ें, तो आप आंसर उसको क्लेम कर सकते हो। उसका डेट दे रखा है 29 मई से लेके 31 मई तक, और सब्जेक्ट है मतलब जो भी आप ओ हमारा आपका जो था वो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल था उस ईमेल पे ओ एम आर आपका आया होगा, वहाँ से आप देख सकते हो ओ एम आर में किसी तरीके का कोई रिकॉर्डिंग ग्रेडिंग रिस्पॉन्स वगैरह कुछ एरर है, तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। उसकी फ़ीस है, एनटीए ने फीस रखा है। और अगर कोई क्वेश्चन में भी आपको क्लेम करना है किसी क्वेश्चन में कि इसमें यह आंसर होना चाहिए, यह क्वेश्चन गलत है या बोनस ऐसा कुछ, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। उसका भी विंडो ओपन है, 31 मई जो है लास्ट डेट है। और इस कैसे इसका प्रोसेस हो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट चैलेंज प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ऑफ आंसर ओ एम आर आंसर सीट एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस नेशनल इसका देखा एग्जामिनेशन नीट 2024 प्रोसेस। आंसर की चैलेंज का फीस 200 रुपये है। एक आंसर चैलेंज अगर कर रहे हो तो उसका 200 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज उसका भी 200 फॉर पर क्वेश्चन फॉर ईच, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। स्टार्ट डेट 29 मई से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 31 मई 11:50 PM रात के 11:50 तक आप 31 मई को कर सकते हैं ये सब, ठीक है। जो लोग भी रजिस्टर्ड ईमेल किए होंगे, रजिस्टर्ड ईमेल पे उसके ओ एम आर आंसर सीट, द स्कैन इमेज ऑफ द ओ एम आर आंसर सीट हैज़ बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो लोग भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे जिस टाइम पे, जो ईमेल डाले थे उस ईमेल को जाकर के चेक करना, वहाँ पे आपका स्कैन OMR का स्कैन इमेज आया होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो अपना OMR को, और जो प्रोविजनल आंसर की आया है उससे अपना आंसर की मैच करा सकते हैं। किसी तरीके का कोई एरर आता है, कुछ भी गड़बड़ आ जाता है, तो आप अभी जाकर के क्लेम कर सकते हो, OMR चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, आंसर की चैलेंज कर सकते हो। विंडो ओपन है, ठीक है। तो अब इंतजार एकदम खत्म हो गया, और जल्दी जल्दी जाकर के देखो अपना आंसर की, अपना वो आंसर की मैच कराओ, अपना ओ एम आर चेक करो, ठीक है। और इसका जो फीस दे रखा है 200, जो कैसे कर सकते हैं इस आदेश, देखो ओ एम आर ग्रेडिंग बाई पे नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 200 रुपये पर क्वेश्चन चैलेंज, ठीक है। और ये जो है फिर दे रखा है दूसरे पेज में, जो आपको NTA.ac.in पे जाकर के वहाँ पे चेक करना है जो भी अपडेट है, फिर फर्दर क्या रिलीज़ किया है कि कैसे, हाँ, प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की। तो आपको एनटीए के वेबसाइट पे जाना है, फिर अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज को क्लिक करना है, सेलेक्ट द टेस्ट बुकलेट कोड, आपका जो बुकलेट कोड था वो सेलेक्ट करना है, लॉग इन विथ योर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर डायल करना है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालोगे तो वो जो है स्टार्ट ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पे भी, जैसे बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी है 50-50 क्वेश्चन, तो जिस क्वेश्चन में भी आपको लगता है कि इसका ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो वहाँ पे उस तरीके का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पे आप करेक्ट या ऐसा टिक सिंबल लगा सकते हो, और जो भी सबमिट करके वापस से नीचे स्क्रॉल करके सबमिट करके आप अपना पेमेंट जो है करके अपना ये जो है सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट जो है कार्ड से होगा, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से हो सकता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI पेमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड प्रिंट आंसर की चैलेंज रिसिप्ट, जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आंसर की चैलेंज है उसको डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ ओ एम आर आंसर सीट ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, तो जो लोग को भी ओ एम आर आंसर सीट में ग्रेडिंग या रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स में चैलेंज करना है कुछ, तो वो भी सेम इसी वेबसाइट पर जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से इंटर करेंगे, और वहाँ पर फिर ओ एम आर चैलेंज पर क्लिक करेंगे जो कि लेफ्ट पैनल पर होगा, फिर ओ एम आर चैलेंज लिंक को खोलेंगे, और वहाँ पर भी जो क्वेश्चन दे रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी करके 50-50 क्वेश्चन, तो लिखा है द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम कैप्चर रिस्पॉन्स इज पर ओ एम आर आंसर सीट स्टैंड फॉर द ऑप्शन ऑप्ट बाय द कैंडिडेट इन द ओ एम आर आंसर सीट, ठीक है। क्वेश्चन के मतलब जस्ट आगे नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम, वो जो आप ओ एम आर रिस्पॉन्स किए हो वो आपका आंसर है,
ठीक है, सेलेक्ट क्वेश्चन फॉर विच यूज टू द सेलेक्ट क्वेश्चन विच यू विश टू चैलेंज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। फिर आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है, तीन ऑप्शन है उसमें से कोई सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंज के लिए सबमिट करना है और फी पे करना है। फी पे करने के बाद फिर वापस से आपको ये जो है डाउनलोड कर लेना है। तो जो लोग भी जिन लोग को भी लगता है OMR में कुछ अपना OMR जल्दी से डाउनलोड कर लो और चेक कर लो कहीं पर कोई एरर तो नहीं है किसी को क्वेश्चन में, रेस्पॉन्स ग्रेडेड रेस्पॉन्स या किस तरीके का कोई आंसर की में मतलब कहीं पर कुछ भी ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है जो तुमको लगता नहीं हमको क्लेम करना चाहिए, तो जा करके क्लेम कर सकते हो। 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और ये 31 मई को लास्ट डेट है, ठीक है। और प्रोविजनल आंसर की भी अपलोड हो चुका है तो वहाँ से भी आप अपना आंसर की मैच करा सकते हैं। जो LN आकाश से जो भी मैच किए थे वो वापस अपना आंसर की जो है इससे मैच करा लोगे, ये जो आंसर की होगा ये ऑथेंटिक होगा, ठीक है। जो भी बोनस वगैरह या जिस क्वेश्चन में डाउट था वो अब सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा 31 मई को, 31 मई को लास्ट डेट तक दे रखा है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट जो है निकल जाएगा। जैसा कि डेट दे रखा है 14 जून को रिजल्ट आएगा, तो 14 जून को रिजल्ट भी आ जाना है। तो आप लोग जो लोग भी अब जिन लोग का भी अच्छा नंबर आ रहा है जल्दी जल्दी से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बना लो अगर नहीं बनवाया है तो, और काउंसलिंग के लिए फर्दर जो है अपना स्टार्ट कर लो। पूरे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसा कुछ भी अब जो है रीनीट वगैरह का कोई लोचा लफड़ा नहीं होने वाला, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर जरूर, अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब जो भी NTA से रिलेटेड जो भी नोटिस आता है NTA से रिलेटेड वो मैं सारा टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ, एकदम जल्दी से जल्दी चाहता हूँ अपडेट करने का कोशिश करता रहता हूँ, हमेशा अपडेट करता मिलेगा आप लोगों को। और इसी तरीके को और भी NTA से काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।